आज दुनियाभर में पर्यावरण दिन की उजवणी करी लीलोतरी जतन संकल्प कराई रहा है त्यारे आज बनासकांठा मेहमान बनेला गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेले आद्य शक्ति धाम अंबाजी खाते वन कवचन लोकार्पण कर विश्व पर्यावरण दिवस की उजवणी करवा साथ गुजरात ने हरियाळू राखवानी राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करी थी। आज पर्यावरण दिवस प्रसंगे देश और दुनिया में पर्यावरण की चिंता कराई रही है तरह गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल आज विश्व पर्यावरण दिवस की उजवणी करने अंबाजी खाते पहुंचा था। अंबाजी मंदिर पुजारी खेस पहेरावी तिलक कर स्वागत कराया बाद मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेले मंदिर गर्भगृह में माताजी विशेष पूजा अर्चना करी थी। माताजी दर्शन और आशीर्वाद मेड़ी देश और गुजरात की प्रजा हितकारी जीवन प्रार्थना कराया बाद मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल अंबाजी खाते गब्बर रोड पर आवेला वन कवच खाते पहुंची आद्य शक्ति धाम अंबाजी खाते विश्व पर्यावरण दिवस की राज्य कक्षा की उजवणी में सहभागी थया। तेमणे पर्यावरण प्रिय लाइफस्टाइल अपनावी वृक्षों जतन और संवर्धन थी ग्रीन कवच वधारवा प्रेरक आह्वान कर्यु हतुं। राज्य सरकार वन और पर्यावरण विभाग उपक्रमे आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस की उजवणी आ कार्यक्रम में मुख्यमंत्रीए ग्रीन अंबाजी प्रोजेक्ट अन्वये वन विभागे गब्बर पर्वत नजीक मियावाकी पद्धति थी तैयार करेल 10,000 रोपाओना वन कवचन लोकार्पण कर्यु हतुं। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेले अंबाजी तथा आसपासना डुंगराळ विस्तारों में ज्यां कुदरती रीते बीज नथी पहोंचता अने धीरे धीरे वनस्पतिनुं आवरण ओछुं थतुं जाय छे तेवा 100-200 हेक्टर विस्तारों में ड्रोन टेक्नोलॉजीनी मददथी सीड्स बॉल अने सीड वावेतरनो प्रारंभ कराव्यो हतो। आ अवसरे वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदीए तेमना मुख्यमंत्री तरीकेना कार्यकाळ दरमियान राज्य में सांस्कृतिक वनों निर्माण प्रारंभ अंबाजी में मांगल्य वन थी कराव्यो होवानो उल्लेख करता मुख्यमंत्रीए जणाव्यु हतुं कि आज गुजरात में आवा 22 वन छे जे राज्य सरकार की पर्यावरण जाळवणी माटेनी प्रतिबद्धता की गवाही पूरी पाड़े छे। आ अवसरे मुख्यमंत्री हस्ते अमीरगढ़ खाते पवित्र उपवन लोकार्पण आंत्रोली थरात खाते पंचवटी विकास केन्द्र लोकार्पण व्हाट्सएप द्वारा उद्योगों ने सीटीई सीसीए ऑनलाइन हुकमों आपवानी शुरुआत जीपीसीबी द्वारा जापानीज भाषा में पर्यावरणीय कायदाओ अंतर्गत मंजूरीओ माटे माहिती आपता पुस्तकनी चौथी आवृत्तिनु विमोचन पर्यावरणीय ऑडिटिंग मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स माटे चारुसेट यूनिवर्सिटी साथ एमओयू और आजादी का अमृत महोत्सव की उजवणी दरमियान प्रदूषण मुक्त गाम माटे श्रेष्ठ कामगिरी करनार सरपंचों पण प्रशस्ति पत्र आपी सन्मान करायु हतुं। मुख्यमंत्रीए बनासकांठा जिला ने पाणीदार बनावानी नेम व्यक्त करता जणाव्युं हतुं कि आ जिला ने लीलोछम हरियाळो बनावामां कशु बाकी न रही जाए ए अमारी जवाबदारी छे। तेमणे कह्युं के आजे तेमणे माताजीना चरणोमां गुजरात अने देशनी सुख शांति माटे प्रार्थना पण करी हती। जे अंबाजीथी सौथी पहेला ज्यारे सांस्कृतिक वनोनी शरूआत करी तो ये शरूआत पण माननीय नरेन्द्र भाईए मांगल्य वन थकी अहींया अंबाजी धामथी करी अने आवा 22 आपणा सांस्कृतिक वनो आज गुजरात में गया वर्षे आपणे नमो वन वन नमो वन 75 वन आखा गुजरात में वन आखा जंगलों बनाया है 75 जेटला आ दरेके दरेक जगह 75 वन आपणे उगाड्या अने आज ये 75 खूब सारी रीते डेवलप थई अने उगी रहा है। એટલે દરેકે દરેક જગ્યાએ આજે સિટી જેવા સિટી અમદાવાદ સિટીમાં પણ આપણે જેટલું ગ્રીન કવરેજ વધે ઓક્સિજન પાર્કના નામે આપણે ત્યાં આગળ પર જેટલા પર્યાવરણ વધુ ને વધુ થાય એનો પ્રયત્ન સિટી વિસ્તારમાં પણ કરી રહ્યા છે। એટલે આપણે બધા જો સાથે મળીશું તો જે માનીય નરેન્દ્રભાઈનું સંકલ્પ છે કે આપણે જે ગ્રીન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે અત્યારે સૌથી વધારે આપણને હેરાન ગતિ કરે છે એમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળાય તો એનો પણ જે લક્ષ્ય આપણને આપ્યો છે એ લક્ષ્ય બહાર નીકળવા માટે ગ્રીન ગ્રોથ કેટલો વધે એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ આપણે એમાં આગળ વધારી રહ્યા છે। ગ્રીન ગ્રોથમાં આ વખતના બજેટ જે માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ લીધું એમાં એમના બજેટમાં પણ પ્રાયોરિટી આપી છે ગ્રીન ગ્રોથને અને એ એમના જ માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત પણ એમનો આપણો જે 5 સ્તંભ લીધા હતા એ 5મો સ્તંભ આપણે ગ્રીન ગ્રોથ વિકાસને સંકલ્પ કર્યો છે અને એ આજે આપણો સાકાર થતો આપણે જોઈ પણ રહ્યા છીએ।